शराब के खिलाफ केंद्र सरकार जिस तरह से स्वतः व्यवहार करती है, अभी तक तो यही था भाई मंत्रियों के खिलाफ फर्जी आरोप लगा दो, आम आदमी पार्टी को बदनाम कर दो। अभी दिल्ली सरकार के काम को अगर दुनिया पूछ रही है तो उस पर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप सबको बताएं कि दिल्ली सरकार एजुकेशन में अच्छा काम कर रही है और उसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। इवन बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि साहब एजुकेशन में अच्छा काम हो रहा है, और एजुकेशन में ओवरऑल भी अभी तक दुनिया से हम सीखते थे, हम किसी देश का मॉडल कॉपी करके लाते थे, मतलब पूरे उसमें रहे हम, राइट टू एजुकेशन में नो डिटेंशन और बहुत सारी चीज़ें कॉपी करके लाए, वो सफल हुए नहीं हुए उस पर अलग बात है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के एजुकेशन मॉडल से दुनिया कुछ सीखना चाह रही है। अफगानिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ होके गए, मलेशिया के एजुकेशन मिनिस्टर होके गए, यहाँ पर गल्फ कंट्रीज़ के बहुत सारे कई राज्यों के कई देशों के एजुकेशन के ऑफिसर्स आके पूरा स्टडी करके गए हैप्पीनेस एजुकेशन का मॉडल क्या है। दुनिया भर के इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स के पत्रकार आके स्टोरीज करके जा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज ने अपने यहाँ वो लोग इस पर PhD करा रहे हैं कि साहब ये हैप्पीनेस कैरिकुलम का इतना बड़ा इंटरवेंशन दिल्ली में हुआ है, इसके क्या आउटपुट आ रहे हैं। 10 लाख बच्चे नर्सरी से लेके 8वीं तक के गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं, 10 लाख बच्चे रोज़ाना हैप्पीनेस क्लास लेते हैं, 20,000 क्लासरूम्स में 20,000 टीचर्स रोज़ाना हैप्पीनेस का क्लास लेते हैं, 10 लाख बच्चे रोज़ाना 5 मिनट बैठ के हैप्पीनेस क्लास के तहत माइंडफुल मेडिटेशन भी करते हैं, स्टोरीज होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब का इम्पैक्ट भी अब अखबारों में भी छप रहा है। आज भी अखबार में था, ओवरऑल मैं पिछले करीब 10 दिन से मैंने 50-50, 60-60 के ग्रुप में अपने बहुत सारे प्रिंसिपल्स से मीटिंग की है, 1-to-1 मीटिंग्स की हैं इंडिविजुअल ग्रुप्स में, और उसमें सारे प्रिंसिपल्स ने बोला है मुझे लगभग कि साहब हैप्पीनेस की वजह से 3-4 चीज़ें बड़ी कॉमन है। बोल रहे जी बच्चों में आपस में झगड़े कम हो गए, बच्चों का फोकस बढ़ गया पढ़ने पे, बच्चों के रिजल्ट अच्छे हो रहे हैं। कल एक प्रिंसिपल ने बोला एक ग्रुप मीटिंग में कि साहब बच्चे पहले जाके वॉशरूम में सैनिटरी वो तोड़ देते थे, अभी वो तक टूटना बंद हो गया, साफ सफाई रखने लगे हैं बच्चे, पढ़ने में ज़्यादा अटेंडेंस बढ़ गई है। ये सारे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, प्रिंसिपल्स नोट कर रहे हैं, टीचर्स नोट कर रहे हैं, पेरेंट्स आके बता रहे हैं कि बिहेवियर चेंजेस देख रहे हैं हम बच्चों में। केवल 3 महीने में इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट हो रहा है, सारी दुनिया देख रही है। मुझे ऑस्ट्रिया बुलाया गया इस पूरी स्टडी को समझने के लिए कि ये क्या मॉडल है, इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है। ऑस्ट्रिया में मैं आज रात को जाने वाला था, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे, दुनिया भर के एजुकेशनिस्ट जो वेलबींग पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कई देशों के एजुकेशन लीडर्स वहाँ के इलेक्टेड लीडर्स मिनिस्टर्स आ रहे हैं। वहाँ पे मुझे दिल्ली का ये एजुकेशन मॉडल रखना था। दिल्ली का मैं एजुकेशन मॉडल रख रहा हूँ तो भारत का ही नाम होता है, दिल्ली का कोई अपना थोड़ी है, भारत का एजुकेशन मॉडल है जिसमें बात हो रही है। वहाँ पर जब जाने की बात आई सारी चीज़ें आगे बढ़ गई, तो मोदी जी की सरकार वो पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं दे रही, कह रहे हैं जी पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं देंगे। मैंने कहा क्यों, कोई रीज़न नहीं है बस नहीं देंगे। हमने कई बार पूछा है साहब कोई वजह बताओ, आपको प्रॉब्लम क्या है, कोई तो टेक्निकल रीज़न होगा ना आपको मना करने का, रीज़न कुछ नहीं है बस पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं देंगे। तो इसका मतलब आप देश के नाम में भी पॉलिटिक्स कर रहे हो, भारत का नाम अगर कहीं हो रहा है तो उसमें भी पॉलिटिक्स कर रहे हो। आपने थोड़े दिन पहले आपने सत्येंद्र जैन जी का दौरा रोका मोहल्ला क्लिनिक की बात करने के लिए, वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, आज मैं ऑस्ट्रिया जाना चाह रहा हूँ, वहाँ ऑस्ट्रिया के लोग मुझको बुला रहे हैं, पैसा भी ना भारत सरकार का पैसा लग रहा ना दिल्ली सरकार का पैसा लग रहा, ऑस्ट्रिया के वो ब्रिटिश काउंसिल डिवीज़न वो लोग पैसा दे रहे हैं, ब्रिटिश काउंसिल वाले लोग उन्होंने बुलाया वहाँ पर, और वो सारे मतलब फिर भी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आखिर ये कौन सी राजनीति है, आप देश की एजुकेशन के नाम, देश के एजुकेशन का मॉडल को दुनिया के सामने रखने का मौका मिल रहा है, आपको तो खुश होना चाहिए इस बात पे कि देश का नाम हो रहा है। आज दुनिया देश से सीखना चाह रही है कि हम अपने बच्चों का तनाव कैसे दूर करें, हम अपने बच्चों का एकेडमिक्स कैसे आगे बढ़ाएं, और आप कह रहे हो हम नहीं जाने देंगे। तो ये बहुत घटिया राजनीति है। तो वैसे इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के बारे में किया था, वैसे स्कूलों के बारे में कर रहे हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कितना ही रोक लीजिए, हैप्पीनेस का कैरिकुलम तो दुनिया समझेगी, हैप्पीनेस के कैरिकुलम को तो लेके हम दुनिया के सामने मॉडल रख के रहेंगे, और ये आप काम चलता रहेगा। मूल रूप से आपके बाद